भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। भारतीय टीम की तरफ से दूसरे दिन की शुरुआत रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने की। मयंक अग्रवाल ने 215 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 23 चौके और 6 छक्के जड़े और अपने करियर का पहला दोहरा शतक भी लगाया। हालांकि बाद में वो एल्गर की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित शर्मा ने 176 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 23 चौके और 6 छक्के जड़े। उसके बाद नंबर आया चेतेश्वर पुजारा का। चेतेश्वर पुजारा ने अपनी पारी में 6 रन बनाए और पवेलियन चलते बने। विराट कोहली ने भी कुछ कमाल नहीं किया और वो भी 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी तरह से भारत का और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाया। आने वाले सभी बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 502 रन पर घोषित कर दी। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। एल्गर और मार्करम ने पहली पारी की शुरुआत की, लेकिन मार्करम अश्विन की गेंद पर बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए। और दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए। भारतीय टीम से साउथ अफ्रीका अभी 463 रन पीछे है। आपको बता दें, अश्विन ने 2 विकेट लिए और जडेजा ने 1 विकेट लिया। ऐसे में देखना होगा तीसरे दिन के खेल में साउथ अफ्रीका की टीम क्या कुछ करती है और किस तरह से इस लक्ष्य को पूरा करती है। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।